हेलो दोस्तों, 24 mm 24 स्लॉट और 24 इंच फैन, हाई स्पीड स्लिंग फैन हम लोग वाइंडिंग करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वाइल चलिए बनाते हैं। 240 टर्न, 240 टर्न की एक कॉइल पहुंच चुकी। दूसरी कॉइल हम स्टार्टिंग की ही बना रहे हैं। थोड़ा वीडियो को स्किप कर दे रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। हमारी कॉइल बन चुकी, 6 कॉइल स्टार्टिंग की है। इसको डालते हैं और डालते समय ये कनेक्शन बहुत अच्छी तरह बारीकी से देखें। किसी बंधु को अगर समझ नहीं आती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हेल्प किया जाएगा और किया जाता है। इसका स्पीड और लास्टिंग दोनों बहुत काफ़ी होगा। आप हाथ से बाइंडिंग करें या मशीन से बाइंडिंग करें, मशीन से बाइंडिंग करते हैं तो 480 डालें और हाथ से बाइंडिंग करते हैं तो इसको 240 गुना दो दो बार डालें। खांचे जो बीच में है उसको छोड़ के दो स्लॉट छोड़ के डालना है ताकि दो स्लॉट में रनिंग की कॉइल आसानी से आ सके। स्टार्टिंग की दूसरी कॉइल भी डल चुकी, तीसरी कॉइल को डालते हैं। ये कनेक्शन जो है एक और तीन कनेक्शन होता है, आप लोग भी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो में पीछे वाले देख सकते हैं। ये हमारी लास्ट कॉइल है। जो देखिए ये कनेक्शन जो है सबसे ज़्यादा आपको समझने वाली बात यही है, कनेक्शन समझ में आती है तो आपका एक ऐसे भी आप एक लकड़ी का बना लें ताकि किसी पेचकस और किसी धार ताज तेज धार से करते हैं तो आपका वायर भी कट सकता है, लेकिन इस प्रकार से आपका वायर भी कटेगा नहीं और आसानी से आपका कॉइल डालने भी
डालने में भी आसानी होगी। देखिए हमारी स्टार्टिंग के कॉइल डल चुके हैं, अब इसको हम लोग सेपरेटर के तौर पे, ये हमारी लूप है, ये दोनों लूप, अब हम लोग सेपरेटर के तौर पे ये माइका जो टेप होती है टेप, उसी को हम लोग यूज करते हैं। अगर आपके पास एक कपड़ा जैसे कपड़ा का टेप टाइप आता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं, कॉटन टेप भी आता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यही है तो हम लोग इसी को दो राउंड चला देते हैं दोनों साइड। ये हमारी स्टार्ट रनिंग की कॉइल डाल रहे हैं, इसको भी दो बार ही डालना है। ये लो वोल्टेज में भी काफ़ी आपको हाई परफॉर्मेंस देगा, इस डाटा पर ज़रूर माने और एक ट्राई करके ज़रूर बताएं कि कैसा है। मुझे आशा है कि आपका भी जो फैन होगा वो बहुत हाई स्पीड चलेगा। वीडियो हम लोग चाह के भी स्किप नहीं कर पाते हैं कि कुछ टेक्नीशियन बंधु को कुछ समझ में अगर ना आए तो इतना मेहनत करने से कोई फायदा ना हुआ। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं टेक्नीशियन बंधु। दो कुआले डल चुकी, थोड़ा स्किप कर दिए, ये लास्ट कॉइल है यानी छठा। इसका मेन है जो बार बार हम आपसे कहते हैं कि कनेक्शन को समझना, बाकी टर्निंग तो आप हमारी वीडियो से आराम से देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो दिखाया जाता है। हमारी रनिंग की भी क्वाइल डल चुकी है, देखिए कितनी फ्रेश है। अभी इसको हम लोग चेक करते हैं, मीटर से चेक कर लेंगे, बीप रेंज पकड़ कर देखिए दोनों कॉइल अच्छी है। इसको हम लूप निकालते हैं, दो काला वायर को स्टार्टिंग और ब्लू को रनिंग में कनेक्शन करेंगे
और फिर आपको चेक करके बताएंगे। ये स्लीविंग है, हमेशा ऐसा ही स्लीविंग आप यूज करें ताकि गर्म होने पर ये आपको वायर में सटेगा भी नहीं। आपको कभी फ्यूचर में अगर रिपेयरिंग भी करना हो तो आसानी से इसको स्लीविंग को आप निकाल करके रिपेयरिंग कर सकते हैं। थोड़ा इसको सोल्डिंग भी कर दें ताकि आपका जंपर जो है वो इधर उधर ना हो। इसे नीचे से सेपरेटर दे करके ऊपर से हम लोग टाई, ये टाई 100 नंबर के आप ले सकते हैं, आपका 100 नंबर के टाई से ही आपका काम चलेगा। धागा तो अब बांधते हैं लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। सब कट करके निकाल दीजिए बाकी को। ये मीटर को फिर स्वीप रेंज में कर लेते हैं। देखिए हमारी रनिंग अच्छी है, स्टार्टिंग भी अच्छी है, वीडियो